हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरे बालों का सीक्रेट। वो है स्कॉर्सकफ प्रोफेशनल कैरेटिन स्मूथ परफेक्ट मिसलर शैम्पू। मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरे बालों का एक्सपीरियंस जो अब तक मेरा रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरे बाल बहुत ज़्यादा सुंदर थे, बहुत स्ट्रेट मेरे शुरू से ही हैं, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा नेचुरल शाइन था और वो कभी उलझते नहीं थे। चाहे मैं कोई भी शैम्पू भी कोम करूँ, ये बिल्कुल भी उलझते नहीं थे और हेयर फॉल तो बिल्कुल ही नहीं था। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे जब मैं बाकी लोगों के कांटेक्ट में आई तो मैंने लोगों को देखा कि वो हेयर कलर करा रहे, स्ट्रीक्स करा रहे, ग्लोबर करा रहे, तो मैंने भी सोचा कि फर्स्ट टाइम मैं स्ट्रीक्स के साथ दूँ। और मेरे साथ प्रॉब्लम ये थी कि मेरा स्ट्रीक्स थोड़ा भी फेड होने लगता था। लाइक अगर मैं 6 मंथ के बाद अगर वो थोड़ा भी फेड हो गया तो फिर से मैं कलर स्ट्रीक्स करा लेती थी। फिर से वन ईयर हुआ, फिर से स्ट्रीक्स करा लिया, या ऐसे ऐसे करके मैंने 4 से 5 बार स्ट्रीक्स करा लिए। मैंने देखा कि मुझे कोई किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा, मेरे बाल अभी भी नॉर्मल है, मैनेजेबल है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ग्लोबल कलर करा लूँ, और ग्लोबल कलर कराने के बाद सिचुएशन बिल्कुल ही चेंज हो गया। मेरे बाल जो बिल्कुल स्ट्रेट थे वो बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, और इतने ज़्यादा रफ़ हो गए कि वो अजीब से, मतलब अजीब सा उसका टेक्सचर हो गया, बहुत ज़्यादा रफ़ हो गए, हेयर फॉल एक्सट्रीम हो गया। तो फ्रेंड्स, मैंने काफ़ी सारे शैम्पूज चेंज किए थे, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियोस में बताया था। मैंने सनसिल्क यूज़ किया, मैंने जॉनसन्स बेबी यूज़ किया, तो उससे कहीं कुछ हद तक सुधार लगा था, बट एक टाइम पे वो भी काम करना बंद कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा था। और मैंने ऑयल्स भी चेंज किए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी स्कैल्प और बाल बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप प्लीज़ कम से कम ऑयल का यूज़ करें, क्योंकि हमारे जो बाल है वो प्रोटीन से बने होते हैं। तो रैदर देन पुटिंग ऑयल ऑन योर हेयर, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लें, क्योंकि हमारे जो बाल है वो प्रोटीन से बने हैं। और प्रोटीन में आप पीनट ले सकते हैं, जिसे मूंगफली कहते हैं, आप न्यूट्रिला ले सकते हैं, जिसे हम सोयाबीन कहते हैं, एग का येलो पार्ट आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों में काफ़ी प्रोटीन है, तो आप ऑयल से ज़्यादा अगर प्रोटीन वाली चीज़ें खाएंगे तो आपके बाल ज़्यादा हेल्दी होंगे और बहुत ही ज़्यादा शाइन आएगा, नेचुरल शाइन आएगा आपका, और मैनेजेबल हो जाएंगे, और बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों के लिए। फाइनली सब कुछ ट्राई करने के बाद एट दी एंड मैंने कैरेटिन कराने का सोचा, और कैरेटिन कराया भी मैंने, और उसका वीडियो मैं अलग से डालूंगी। तो कैरेटिन कराने के बाद जो मुझे शैम्पू मिला था, स्कॉर्सकफ प्रोफेशनल कैरेटिन स्मूथ परफेक्ट मिसलर शैम्पू, ये टर्निंग पॉइंट था मेरे बाल के लिए। और इसके, आप यकीन मानिए, इसके 1 यूज़ के बाद से ही मुझे इतना अच्छा रिजल्ट मिला। 80% जो मेरा अनमैनेजेबल बाल थे और उसके यूज़ करने के बाद ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेट हो गए, और नेचुरल ग्लो जो मेरे बालों का खो गया था वो भी मुझे मिला, और बहुत ज़्यादा शाइन था, बहुत ज़्यादा शाइन होता है इसके यूज़ करने के बाद। और जो 20% जो बचा रहता है वो अगर आप मास्क भी यूज़ करेंगे साथ के साथ, तो ये उसके साथ ये पूरा 100% वर्क करता है। और आप चाहे ऑयल लगाएं या नहीं लगाएं, ये आपके बालों को बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनेज करता है। बहुत अच्छा शैम्पू, अब तक का मेरा बेस्ट शैम्पू है। फ्रेंड्स, अगर आप भी बालों से परेशान हैं, आपके बाल अनमैनेजेबल है, ग्लो नहीं है, शाइन नहीं है, और आपके बाल हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप एक बार इस शैम्पू को ज़रूर ट्राई करें। मैं 100% गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आफ्टर 1 वॉश ही आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। इट वर्क्स लाइक अ मैजिक, सो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई दें। फ्रेंड्स, अब बारी आती है कि आप इसे बाय कहाँ से करेंगे। अगर आपको ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए 100%, तो आप डायरेक्ट पार्लर से जाके बाय करें। मैंने किसी वेबसाइट से ऑर्डर नहीं किया है, मैंने इसे पार्लर में जाके खुद से बाय किया है। कैरेटिन कराने के बाद मैंने ये शैम्पू बाय किया था, इसके साथ एक मास्क भी लिया था मैंने। और अगर आपको पूरा 100% रिजल्ट चाहिए तो आप शैम्पू प्लस मास्क यूज़ करें। मैं मास्क का वीडियो नेक्स्ट वीडियोज़ में डालूँगी। और ये मुझे प्राइस पड़ा था 1000 रुपीज़ का। तो अगर आपको भी ओरिजिनल प्रोडक्ट चाहिए तो आप इसे डायरेक्ट पार्लर से जाके ले, अदरवाइज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अब मैं बात करूंगी कि आपका एक बॉटल आप 250 ml का आता है और ये 1000 रुपीज़ का आता है, और ये कब तक चलता है। तो फ्रेंड्स, ये डिपेंड करता है आपके बालों के लेंथ पे। मेरा मीडियम लेंथ है तो ये आराम से 4 मंथ्स तक आराम से चल जाता है। मैं वीक में सिर्फ एक बार वॉश करती हूँ, और डिपेंड करता है, कभी मैं एक बार वॉश करती हूँ, कभी 2 बार वॉश करती हूँ, बट स्टिल ये मेरा बॉटल पूरा 4 मंथ तक आराम से चल जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो ये 3 मंथ्स तक चलेगा, और अगर आपके छोटे हैं तो आराम से 4 मंथ्स तक आराम से चल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा है, आप ट्राई करें इसे।
मैंने आपके साथ कुछ पिक्चर्स शेयर किया, उसमें आप देख सकते हैं कि पहले मेरे बाल कितने ज़्यादा हेल्दी थे, बट मैंने स्ट्रीक्स कराकर और ग्लोबल हेयर कराकर अपने बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल होने की वजह से मुझे अपने बालों को शॉर्ट लेंथ करने पड़े थे। बट बाद में जब मैं इस शैम्पू को यूज़ करने लगी तो मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल है, वो आप देख सकते हैं पिक्चर्स में। और ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हैं, नॉर्मल है, ऑयली हेयर है, तो ये ऑल टाइप ऑफ हेयर के लिए है। और ये मैनेज करता है आपके कलर्ड हेयर को, और केराटिन अगर आपने कराया है उस केस में, और अगर आपने कुछ भी नहीं करा तो भी आप आराम से इस शैम्पू को यूज़ कर सकते हैं। इसका बहुत ही अमेजिंग इफेक्ट है, तो आप भी एक बार ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपको ये कैसा लगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड मेक योर हेयर ब्यूटिफुल।